किताब उल हज। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। जिस शख्स के पास इतने पैसे हों कि वो मुतवस्सित तरीके से खर्च करके हज कर सकता है, उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। कुरान करीम में इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। तर्जमा, और लोगों में से जो लोग उस तक पहुँचने की इस्तेआत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फ़र्ज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके पास सफ़रे हज का ज़रूरी सामान हो और उसको सवारी मुयस्सर हो जो बैतुल्लाह तक पहुंचा सके, और फिर वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर, अल्लाह ताला को उसकी परवाह नहीं। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो उस तक जाने की इस्तेआत रखते हों। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हज का इरादा करे उसको जल्दी करनी चाहिए, यानी फिर ताखीर ना करे।